हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो ज़रा ना सस्ती सी है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है गुजारा, क्योंकि यार हमारे इधर फोतगी हुई थी तो उसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिला इतना। जो थोड़ा बहुत मैंने गेम खेली थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो यार सबसे पहले ये जो नई गन है ना यार, मैं कहता उसका डैमेज बड़ा अच्छा है, गन बहुत ही अच्छी है ये वाली, ये यूज़ किया करो सच में। पर आप मुझे ज़रा असल ना AKM में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं खुद भी पर्सनली ये थोड़ा बहुत चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे AKM ज़्यादा पसंद है यार। अपनी पुरानी मोहब्बत को बंदा भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने पहले, अभी 1v3 बोलूँ या क्या बोलूँ, लेकिन मैं 1v3 ही बोल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक कराऊँगा, पर ये बंदा समझ रहता है फिनिश कराएगा फिनिश, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, तीन बंदे पिश कराएं हम, चलो 1v3 करें, किल मैसेज आए, मज़े शजे आए, थोड़े लोगों में पता चले कि हाँ भाई कोई बंदा आया है अच्छा गेम खेलने वाला। तो मेरी खुद ही होती है कि भाई अगर किल मैसेज बजे चंगे चंगे कड़ाके दे तो पता चले कि कोई बंदा आया होगा चसदा, तो फिर आहो सीन होता। तो यहाँ पे एक बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है और दूसरे बंदे को जिसको वो नोक रहा था उसको मैं फिनिश करता हूँ। मैं कहना भाई अदले का बदला हो गया है, ठीक है, लेकिन अदले का बदला ऐसा नहीं लेंगे, मैं उस बंदे को भी मार दूंगा। देखना अभी ये देखना ये टिन टिन ये वाला सीन, क्योंकि हम कभी कभी TDM भी खेल दिया करते हैं किसी ज़माने में। तो यहाँ पे हमारा ये क्लच मुझे समझ नहीं आई, इस बंदे ने मतलब इसने नहीं, इसका जो चौथा बंदा लास्ट बंदा होगा उसने मुझे मारा, तो मारा कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो यहाँ पे एक बंदे को नोक कराता हूँ, उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे को भी नोक कराता हूँ और फिर चेक करो ये बंदे यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा वो वाला बंदा जब तक हम इस पर पुश कराएंगे। लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई मसला ही नहीं, हम इसको दोबारा नोक करा देंगे। यहाँ पे बेचारा दोबारा नोक हो गया, और अभी देखना यार ये मैं बहुत जल्दी नहीं मर गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी मर गया हूँ, लेकिन यार कोई मसला नहीं है, असले तो मसले की गल कोई ना। तो यहाँ पे आते हैं, उधर से सारी हमको स्कूरल मिलती है, स्कूरल इज़ अ क्यूट गन, कभी कभी के लिए, हर टाइम के लिए क्यूट गन नहीं है यहाँ पे। और ये रैंडम बंदे भी होते हैं लेकिन थोड़ी बहुत तरीफ भी होती है, लेकिन छोड़ो यार उसको मिस कराओ। तो यहाँ पे ये दो ही बंदे होते हैं और ये मेरे ख्याल में लड़की है शायद, सोहाना पता नहीं क्या, सोनिया पता नहीं क्या नाम है, मुझे नज़र नहीं आया सही से। तो यहाँ पे इस बंदे का साइंस चेक करो भाई, मतलब शॉटगन इतनी दूर मार रहा है यार भाई तेरे पे। इसके पास मैंने जब लोड की ना तो उजी भी थी, पता नहीं क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे आते हैं अपने 1v3 के ऊपर, यहाँ पे पीछे से पड़ती है और असली आगे से पड़ती है, पीछे से बंदा आता है। तो इस बंदे को हम यहाँ पे नॉक करवाते हैं, तो हम उसको नॉक कराने के बाद मैं किट शिट मारता हूँ, मैं कहता हूँ चलो पुश कराते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको पुश करा के यहाँ पे इजीली मार देंगे, मतलब नॉक करा देंगे। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिक्स सेंस यूज़ करनी पड़ जाती है, क्योंकि मैंने कहा अगर वो बंदा आएगा उसके MC ज़्यादा उधर होगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, 2-4 पट्टियाँ मारता हूँ तब तक ये बंदा आ जाता है और हम इसको लपेटे में ले लेते हैं। और ये तीन ही बंदे होते हैं, इनका चौथा बंदा यहाँ पे नहीं होता, तो हम यहाँ पे इनको फिनिश करा देते हैं। और फिर यार चेक करना शॉटगन, मतलब के आहो सीन, मतलब शॉटगन से फटती है यार कसम से, मुझे खुद मिलती ना पर्सनल, मैं आपको अपना असली है ये बात कि अगर मुझे मिल भी जाए ना मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ एक यूज़ में यूज़ करता हूँ, अगर मेरे पास और कोई गन ना हो, मतलब कोई और गन ऑप्शन ही ना हो मेरे पास किसी गन का ना, तो मुझे ये यूज़ करनी पड़ जाती है, वरना मैं इसको उठाता तक नहीं हूँ। अगर भले ही मेरे पे चार बंदे क्यों ना पुश कराने लग जाए, क्योंकि मज़ा ही भाई क्या है, शॉटगन एक मारो भाई फेयर फाइट लो पता चले। तो यहाँ पे इस भाई को नोक कराते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा किल चोरी, जो कि वेरी वेरी बैड बात है, और हम इन बंदों पे कर देंगे 1v3 1v4 भी हो सकता था, लेकिन अभी चेक करना 1v4 हुआ कैसे नहीं मारा। तो यहाँ पे हम इस बंदे पे पुश कराते हैं, और ये देखो मैं यहाँ पे किट मारता रहता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे होता है कि भाई किट ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं है, मर गए तो फ़ायदा क्या है, किट मैंने सर में मारनी है, तो इधर किट्टी किटे शिटे मुक जाती हैं। और यहाँ पे इनका चौथा बंदा देखना कैसे मरता है, मतलब इस चौथे बंदे को 100% गालियाँ पड़ी होंगी, और तेरे को किट नहीं है ऐसी इन्नी दिया। तो यहाँ पे चेक करो ये होती है लास्ट जोन वाली फ़ाइट, यहाँ पे चेक करो बंदे कितने लाइव हैं, ठीक है, यहाँ पे रह जाते हैं 5 बंदे लाइव, ठीक है, एक मैं हूँ, 4 बंदे और हैं। इधर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, मतलब मैं कि तुम वो वाला सीन नहीं है, मौला लू मौला ना मारे तो मौला नहीं हूँ मरदा, वो वाला सीन है। मैं कहता हूँ भाई तुम लोग मार के दिखाओ योर बैड बॉय को, योर बैड बॉय ना मरे तो योर बैड बॉय नहीं मरदा वो वाला सीन है। यहाँ पे देखो 10 10
तो यहाँ पे रह जाता है सिर्फ एक लास्ट बंदा और यहाँ पे आपका भाई भी रह जाता है। यहाँ पे ये बंदा नोक कराता है, कवर में जाते हैं तो इसको हेड लग जाता है। ये दिस इज़ द पावर ऑफ आईफोन। यहाँ पे 1v3 हो जाता है, वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सिला भी मिलना चाहिए मेहनत का आपकी तरफ से।